नमस्कार, कांटा की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर में आज शौर्य जागरण यात्रा पहुंची है, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया है। ये शौर्य जागरण यात्रा शहर के गांधी चौराहे पहुंची, जहां से वाहन रैली के रूप में शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत किया गया है। वहीं शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः गांधी चौराहे जब ये शौर्य जागरण यात्रा पहुंची है, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। यहाँ पर इस दौरान तमाम राष्ट्रवादी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं भाजपा समर्थित लोग मौजूद रहे हैं और इस शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया है। यहाँ पर भाजपा नगर मंडल द्वारा भी शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया है। वहीं इसके पश्चात यहाँ से ये शौर्य यात्रा शहर के एरियापति रोड स्थित गरबा चौक पहुंची है, जहाँ पर धर्म सभा आयोजित की गई है, जिसमें यहाँ पर साधु संतों के प्रवचन हुए हैं। और यहाँ पर इस अवसर पर राम जी महाराज के प्रवचन हुए हैं। साधु संतों के प्रवचन के साथ ही यहाँ पर सिद्धपीठ मोखमपुरा घोटाड़ सिंह के बाल संत भी पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद दिया है। वहीं यहाँ पर इसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का उद्बोधन हुआ है, जिसके पश्चात यहाँ पर धर्मसभा में महाआरती आयोजित की गई है। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज, प्रतापगढ़।